हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस जांगड़ा। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं वेनिस सिटी मॉल, जो कि काफी फेमस है ग्रेटर नोएडा में, जो कि इटली की वेनिस सिटी के ऊपर बेस्ड है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। हम पहले भी गए हुए हैं, तो अभी व्लॉग में आपको भी दिखाएंगे कि क्या कुछ बना हुआ है वहाँ पर और क्या कुछ एक्टिविटी आप लोग वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। तो चलो अब चलते हैं। चलो, तो गाइज हम पहुंच गए भाई वेनिस सिटी मॉल। ये मॉल आप लोगों ने पहले कहीं देखा जरूर लग रहा होगा। मैं आपको बता देता हूं, ये वाला पोर्शन आप देखिए, इस पोर्शन पे अगर आपने पंजाबी सॉन्ग सुना होगा प्लाजो, तो प्लाजो जो सॉन्ग है वो पूरा का पूरा यहीं पे सूट हो रखा है भाई। ये वाला पोर्शन देख लो आप, ये वाले जो पैड़ियाँ हैं ना इधर, ये वाले पोर्शन पे वो पूरा गाना सूट हो रखा है। आप लोग अभी भी प्ले करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। बाहर से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, स्पेशली रात को जो व्यू आता है इस जगह का, मतलब अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट है। हाँ जी, तो भाई कोमल पहुंच गया ऊपर, यहाँ पर वो गाना शूट हुआ था। अगर आप देखोगे सॉन्ग में, तो गाइस यहाँ से जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा ही अल्टीमेट व्यू बना रखा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से हम आ गए हैं, यहाँ से उस सॉन्ग में जो हीरोइन यहीं से घूम रही थी, ऊपर नीचे ये वाली जगह से। ऊपर से देखिए ऐसा नज़ारा आ रहा है। तो अभी ऊपर जाता हूँ मैं कोमल के पास। गाइस अभी आ गया मैं ऊपर, वाह भाई वाह, काफ़ी अच्छा आ रखा है यहाँ पे। ऊपर से आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये वाली लोकेशन देखो, यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर आ गए फॉरेन कंट्री में, उस टाइप की लोकेशन ये बनी हुई है। जैसे कोमल ने आपको बताया ही था, वेनिस सिटी के थीम पर ये बना हुआ है, अंदर से भी जाके आपको दिखाऊँगा मैं। तो भाई अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके मैं आपको ना एंट्रेंस दिखाता हूँ। एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो कोमल अभी चली गई है ऊपर की तरफ से, मैं आपको नीचे चल के एंट्रेंस दिखाता हूँ एक बार, एंट्रेंस कैसी बनी हुई है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। एंट्रेंस पे हम आ गए भाई। सो गाइस अभी अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं एक बार, उसके बाद अंदर जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई वेनिस सिटी में अंदर हम आ गए हैं भाई साहब, देखो क्या मतलब चकाचौंध नज़ारा है। भाई मैं अंदर आ गया, मैं कोमल को ढूंढ लेता हूँ, कोमल कहाँ चली गई है। ऊपर से आने वाली थी यार, ऊपर से रास्ता तो यहीं से था, कहाँ चली गई, गुम हो गई क्या हैं, तो कहाँ चली गई भाई। आगे जाके देखता हूँ। मिल गई भाई, मिल गई मिल गई मिल गई, लड़की आ रही है। काफ़ी अच्छा व्यू बना रखा है यार यहाँ से भी ना, ये देखो मतलब एक शाही लुक आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बना रखा है भाई। है बेबू वो कहाँ है, बोटिंग बोटिंग तो होती है ना यहाँ पे, बोटिंग दिखाता हूँ भाई मैं, बोटिंग होती है यहाँ पे जैसे वेनिस सिटी में है ना। वेनिस सिटी में बेसिकली क्या है कि वहाँ पे ना पूरी सिटी में पानी है, बोटिंग से ही दिखाते हैं। हाँ, तो मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग, हाँ नॉर्मली जैसे हम लोग ऑटो टैक्सी जाते हैं, वहाँ पे लोग बोट से जाते हैं, तो वैसे ही थीम यहाँ पे बना रखी है। अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ मैं। ये लो भाई यहाँ आ गए, ये रहा वो नज़ारा देखो, ये देखो क्या मस्त नज़ारा है भाई साहब। ये इसमें ना ये अंदर अंदर हर जगह है, ऐसा नहीं मतलब यहाँ यहाँ पर खाली एक जगह पर है। और यहाँ साइड में रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप कॉर्नर की सीट लोगे, यहाँ पर बैठ के यहाँ पे ये नज़ारा पानी का मज़ा ही आ जाएगा। बोटिंग दिखाना, बोट आ रही है, बोट दिखाना। ये देखो भाई, ये
ऐसे पूरी सिटी ऐसे दिखाते हैं, पूरे मॉल में चलता है। साथ में आपको गाना सुनाएंगे। तो नर्म जा रख दी सरूक नी मुंडिया दी चले तेरा रूप नी तो नर्म जा रख दी सरूक नी। सो भाई जैसा आप लोग देख सकते हो ये सेम वही लोकेशन है जो मैंने अभी आपको कुलविंदर बिल्ला के सॉन्ग प्लाजो में आपको दिखाया, जिसमें वो बोटिंग से आते हुए गाना गा के चलते आ रहे थे, तो सेम यही वो लोकेशन है। चलो अब चलते हैं, भूख लग गई अब। तो भाई पिज़्ज़ा हट जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये देखो आप, ये है मस्त, मतलब नज़ारा है यहाँ का इस मॉल का। ये इसको बाकी सब मॉल से मतलब अलग बनाता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो सामने ये सारे सारे आउटलेट्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घर बने हुए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। इस तरफ में भी आउटलेट्स होंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये आउटलेट्स हैं, और उसके बीचों बीच मॉल के बीचों बीच ऐसी बनी हुई है, वहाँ पर साइडों में घर हैं और हाँ। बीच में से ऐसे बोटिंग करते हुए सब लोग जाते हैं हाँ। तो यहाँ पे ऐसे ही है, साइडों में घर हैं, बीच में से बोटिंग करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। तो भाई जब वो लोग यहाँ पे बोटिंग करवाते हैं ना, बोटिंग करवाते हुए साथ में आपको वो गाना सुनाते हैं, अलग अलग रोमांटिक सॉन्ग सुनाते हैं, तो मतलब एक अलग ही वाइब आती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब आप मतलब इंडिया में हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं और किसी मॉल में घूम रहे हैं, क्योंकि मॉल से मतलब एक अलग ही चीज़ बना रखी है। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे मैर कोमल वेनिस सिटी मॉल, तब तक हमने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की थी, तब हमने यहाँ पर बोटिंग भी की थी, गाने भी सुने थे, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस मतलब पता है, इसलिए हम क्योंकि हमने पहले बोटिंग की हुई है तो इस बार इसलिए हम बोटिंग नहीं कर रहे हैं, बट हाँ एक बार करना मतलब आप जब कभी आओ तो फर्स्ट टाइम तो एक बार फर्स्ट टाइम आपको करना चाहिए। तो चलो भाई अब कुछ खा लिया जाए, भूख बहुत लग गई है। तो गाइस आप देख सकते हैं रोहित गए हैं अभी ऑर्डर करने के लिए। तो भाई ये टॉप फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपको हल्दीराम मिल जाएगा, वो काफी सारे हैं मतलब जो भी बर्गर किंग है और बाकी उस कोने में है, उधर भी जाके देखने हैं कौन से हैं, ऊपर से कुछ नज़ारा आता है देखते हैं। भाई ये ऊपर बैठने के लिए मतलब अच्छा खासा स्पेस बना हुआ है, बढ़िया, हम भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थकावट हो गई है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर वापस, हमने काफ़ी एंजॉय किया है यहाँ पे, अगर आपको भी आना है तो आप भी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।